नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे ज्योतिष शास्त्र और कोरोना वायरस इनसे कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जो मैंने अभी तक जो ज्ञान अर्जित किया है इस पे मुझे अत्यंत उचित लगता है कि ये हम सबके साथ इस तथ्य को बांटें। ज्योतिष शास्त्र और कोरोना, ये कोरोना का ज्योतिष शास्त्र से क्या मतलब है, क्या संबंध है? जो संबंध मैंने अभी तक जो पढ़ के सोच के समझ के पाया है, वह इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दो छाया ग्रहों का है, वह है राहु एवं केतु। वर्तमान में हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, खासकर 31 मार्च से ये 2 जून 2021 का जो समय है, यह केतु सबसे ज़्यादा प्रभावी है। इस समय वृश्चिक राशि पे है और जिस एंगल पे, जिस जगह अवस्थित है ये 20 से 16 डिग्री 40 सेकंड तक जो रहेगा ये वृश्चिक राशि में, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। रिट्रोग्रेड करता ही है, पीछे आता है ये, जैसा कि हम सब थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष में करीब करीब हर परिवार में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र की चर्चा होती ही है। इसलिए तो ये केतु जो है इतना प्रभावी हुआ है इस समय, और केतु का जो प्रभाव है ये गर्मी इसका खास समय होता है। और दुर्भाग्य से इसको लाया तो राहु ने है जब वो मिथुन राशि में था और जाड़े का वक्त था, और अब जो है इसको उस परिस्थिति में और उस निष्कर्ष पे लाने की कोशिश केतु कर रहा है। सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए? ये तो मैं समझ गया, हम सब समझ रहे हैं कि कोई ना कोई कारण है और कहीं ना कहीं हम लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, वो चाहे विज्ञान हो चाहे ग्रह हो, जो भी आप समझें। मगर भाई हम तो जीना चाहते हैं, सीधी सी बात है, मरना कौन चाहता है? अब सवाल ये है कि इस डर से बचा कैसे जाए, कैसे इससे मुक्ति मिले, क्या करें? तो मैं इसी पहलू पे थोड़ा आपसे अपने जो विचार रखना चाहता हूँ आपके सामने, उचित लगे तो व्यवहार में लाइएगा। केतु, केतु का एक जो छवि हमारे पास है वो थोड़ा एक बार आप लोग देख लीजिए। यह है केतु, इनके वाहन है गिद्ध, हाथ में ध्वजा, सांप, तीर, वस्त्र आप देख ही रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस युग परिवर्तन लाने वाले छाया ग्रह केतु के प्रभाव से कैसे सुरक्षित रहा जाए? मित्रों, केतु हमारे गंध, जिससे जिस हमारे स्नायु तंत्र से मैं गंध की अनुभूति करता हूँ, उस पर राजत्व करता है, उस पर उसका अधिकार है। इसलिए आपने अगर ऐसा महसूस किया होगा या सुना होगा कि इस कोरोना वायरस में हमारे गंध और सुनने दोनों के जो हमारे स्नायु तंत्र हैं, इसको प्रभाव में लाता है, इसको क्षति पहुंचाता है। तो ये इससे बचा कैसे जाए? अब आते हैं हम उस पहलू पे जिसके प्रयोग से हम इससे बच सकते हैं। एक, कपूर। दो, चंदन। तीन, लहसुन। चार, देव गुरु बृहस्पति का सहयोग। कैसे? देव गुरु बृहस्पति हम सब जानते हैं कि ये सबसे हितैषी ग्रह है, और जिनको ये पता है वो देव गुरु बृहस्पति का जाप करते होंगे, तो वो नियमित करें। ये हमारे इस शरीर की रक्षा प्रणाली को जल्दी से स्वाभाविक बना देगा, हमारे मन में एक अनुभूति, एक ऊर्जा का आविर्भाव करेगा। लहसुन, लहसुन एक
ऐसा खाद्य पदार्थ है जो बहुत ही सुचारू रूप से और सरलता से उपलब्ध है। कम से कम 2 कली लहसुन रोस्ट करके और थोड़ा सा देसी घी में हल्का नमक मिला के अगर चाहें तो प्रतिदिन सेवन करें बिना संकोच के। यह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत तेज़ी से, हमारे शरीर के पीएच वैल्यू को बहुत तेज़ी से उस परिवर्तन में लाएगा जो हमारे लिए इस युद्ध में सहयोगी है। भाई युद्ध जीतना है हम आपको, है ना? कपूर, कपूर एक ऐसा सुगंधित वातावरण पैदा करता है जब आप कपूर जलाते हैं या कपूर का धुआं बनाते हैं। जबकि हमारे सनातनी जितने भी ये हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं इस देश में, इस पहले से ही जानते हैं कि कपूर का इस्तेमाल कैसे होता है। चंदन, चंदन का इस्तेमाल कौन नहीं जानता। तो यह सब हमारे पूरे माहौल को एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा देने में सहायक होते हैं। इसलिए माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। माहौल अच्छा होगा तो आप खुश होंगे, आप खुश होंगे तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, यह समय जो है 2 जून तक, ये थोड़ा कठिन समय है। खासकर अभी तो आज जैसे अभी नवरात्र का समय शुरू हुआ है, अभी तो कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, शुक्ल पक्ष चल रहा है, मगर फिर जैसे ही कृष्ण पक्ष आएगा और चंद्रमा जब केतु के उन खास नक्षत्रों में प्रवेश करेगा, कम से कम 24 घंटे, वह समय हमारे लिए बहुत ही चिंता का कारण रहेगा। केतु के ग्रह हैं, ये केतु के नक्षत्र हैं अश्विनी, केतु के नक्षत्र हैं मघा, केतु के नक्षत्र हैं मूला। तो ये जो 3 नक्षत्र खासकर हैं, जब चंद्रमा इन पे अवस्थित होगा और खासकर कृष्ण पक्ष में, तब हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और शरीर है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं जो भी हम आप सोच सकते हैं कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने से मन स्वस्थ रहेगा और दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हम किसी भी युद्ध में विजयी हो सकते हैं। तो राहु और केतु अर्थात ये जो श्वसन तंत्र है और जो ये सुनने वाली, जो जहाँ से भी हम हवा का प्रवेश करते हैं, चाहे वो नाक से हो, मुंह से हो, कान से हो, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। सारे जड़ यहीं पे हैं। जहाँ से भी हवा प्रवेश कर रही हो उसको नियंत्रित करना ही है, क्योंकि सारे विषाणु उधर ही से आ रहे हैं और उधर ही से जा रहे हैं फिलहाल इस रोग में। तो मैं समझता हूँ कि अगर राहु का और केतु का अगर बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, इतना ही पर्याप्त है। दिशा महत्वपूर्ण होती है। हर छाया ग्रह या ग्रह की अपनी एक दिशा होती है और उस दिशा में वो बहुत बलवान होता है। समय, समय एक ऐसा काल है जो अच्छा बुरा दोनों ही देता है। तो समय एक काल भी इन ग्रहों, छाया ग्रहों के लिए मजबूती का कारण है। रात को हर ये राहु केतु दोनों ही बहुत प्रभावी होते हैं, खासकर कृष्ण पक्ष में जब रातें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। और सूर्योदय और सूर्योदय से कम से कम 2 घंटे पहले का जो समय है केतु के लिए बहुत प्रभावी होता है। तो ये समय जो है थोड़ा हम लोगों को ध्यान रखना है, इस पर विचार करना है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा ईश्वर का वंदन भी करना है, शरीर का वंदन भी करना है। तो कृपया इस बात को दिमाग में रखें। और ये कपूर और चंदन, ये सब अगरबत्ती या जो भी आप जिस प्रक्रिया में भी विश्वास रखते हैं जो आपको खुशी देता है, यह आप जरूर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करें, साउथ वेस्ट। तो वो इनका खास दिशा है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो इसको प्लीज़ दिमाग में रखें और तदुपयोग कार्य करें। अगर आपको लगता है ये उपयोगी है तो अच्छी बात है। कोई सवाल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
मेरी इच्छा होगी, मेरा मेरे ज्ञान में होगा, मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, हम सब स्वस्थ रहें, पूरा देश स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ।